सत्य के साथ। इसरो के जितने भी सैटेलाइट लॉन्चेस हैं, चाहे वह मार्स ऑर्बिटर मिशन हो या चंद्रयान 3 और आदित्य L1, ये वह सक्सेसफुल मिशन है जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही किए गए थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिर श्रीहरिकोटा कैसी जगह है जहां से इसरो सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए श्रीहरिकोटा को स्थान के रूप में चुनने के पीछे दो मुख्य कारण थे। इसका एक कारण है कि श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट की पूर्व दिशा की तरफ लॉन्चिंग में फायदेमंद जगह मानी जाती है। दरअसल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से घूमती है, फिर इस गति का लाभ उठाकर रॉकेट श्रीहरिकोटा से आगे पूर्व की ओर जा सकता है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में है, जो कि श्रीहरिकोटा भारत का लॉन्चिंग स्टेशन है। 1971 के बाद से इसरो ने जितने भी बड़े मिशन किए उन सबकी लॉन्चिंग इसी लॉन्चिंग पैड से की गई। आंध्र प्रदेश के तट पर बसे इस द्वीप को भारत का प्राइमरी स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। ये श्रीहरिकोटा सुल्लरपेटा मंडल में है, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ 1971 में ही शहर की स्थापना की गई थी और 5 सितंबर 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के सम्मान में शहर का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। चलिए अब जानते हैं सतीश धवन कौन थे जिनके नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया। सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था। वह भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक थे। उनके कार्यकाल में देश ने अंतरिक्ष रिसर्च में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी कड़ी मेहनत के तहत इसरो ने दूरसंचार उपग्रह, भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PSLV, ध्रुवीय उपग्रह वाहन जैसे विभिन्न उपग्रहों का निर्माण किया। यह स्थान इक्वेटर यानी मुंह मध्य की रेखा के पास है। जितने भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में घूम रहे हैं इन्हें इक्वेटर के पास से ही इजेक्ट किया जाता है, इसलिए श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने से मिशन का सक्सेस रेट बढ़ता है और मिशन की लागत भी कम आती है। अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जो भीड़ भाड़ और लोगों की आवाजाही से दूर हो। श्रीहरिकोटा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह रही। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में यहाँ से लॉन्च के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधा समुद्र में ही गिरते हैं। यदि मिशन को कोई खतरा भी होता है तो उसे समुद्र की दिशा में मोड़कर जाना ही से बचा जा सकता है। स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा को चुनने की वजह मौसम भी है। दरअसल एक द्वीप होने के कारण यहाँ का मौसम एक समान ही रहता है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो तकरीबन 10 महीने यहाँ मौसम सूखा ही रहता है, इसीलिए इसरो श्रीहरिकोटा को ज़्यादा तरजीह देता है। आशा है आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।